एके मिश्रा साहब, मैं भविष्य की ओर देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि या तो पेड़ ही उखड़ जा रहे हैं क्या, या वही पेड़ खड़े रह पा रहे हैं, एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, जिनसे कोई सहमति बन जाए क्या कि भाई तुम्हारे पेड़ में ऐसे ही फल फूल आएंगे तो चलो ठीक है तुम बने रहो, अन्यथा तो मुझे एक ही रंग का सारा वायुमंडल दिख रहा है भारत की राजनीति का। मिश्रा जी, आपकी आवाज शायद आपने वो बटन म्यूट कर दिया है क्या, अनम्यूट कर दिया जी। हाँ जी जी जी, देखिए अमिताभ जी, देखिए है क्या, ये एकदम खुला खेल फरूखाबादी है, पक्ष विपक्ष होते ही इसलिए है कि एक दूसरे को साफ करे, लड़ाई है और अपना वर्चस्व कायम करे। रही बात, मैं अपने दूसरे मित्रों को सुन रहा था, राष्ट्रपति चुनाव की अहमियत को ये लोग या तो जानते नहीं है या बता नहीं पा रहे हैं। अभी इस चुनाव के बाद बीजेपी ने इस चुनाव के महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। उनके लक्ष्य जो हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे घड़ा भर रहा है उसके बाद ये क्या बताएंगे, बहुत सारे बिल पास करने और करवाने में राष्ट्रपति का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। अगर अपनी विचारधारा का राष्ट्रपति नहीं है तो वो बहुत सारे काम आपके पेंडिंग हो सकते हैं और इसके उदाहरण पास्ट में रहे हैं। बीजेपी इस चीज को समझती है कि राजनीति केवल राजनीति नहीं है, सांप सीढ़ी का खेल है, एक भी पासा अगर गलत चला तो 99 से सीधे 0 या 1 पे पहुंचने पे टाइम नहीं लगेगा, जो कि विपक्ष के साथ हो रहा है। ऐसे ही हिला करके ये पासे चल देते हैं और वो सांप बैठा रहता है, जितना ये ग्रो किए उससे डबल नीचे आ गए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बीजेपी देखिए कितनी समझदार और स्ट्रेटेजिक जो है पार्टी है। इन लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा कि देखिए है क्या, एक ऐसा उम्मीदवार की उनको तलाश थी कि जैसे महाभारत के युद्ध में आपने देखा ना कि भीष्म जैसा आदमी भी सारे हथियार रख करके, या रावण के देश में लंका में माता सीता, उनके पास केवल एक घास था, वो न्याय का और धर्म का सहारा था। तो द्रौपदी मुर्मू की पर्सनालिटी भी इतनी जबरदस्त है कि ये विद्रोह करें या उनके खिलाफ बोले तो कहां से बोले, आदिवासी मुद्दे पे नहीं बोल सकते हैं जो मुख्यमंत्री या आदिवासी झारखंड वगैरह में जो सरकार है, पिछड़े वर्ग पे नहीं बोल सकते हैं, काबिलियत पे नहीं बोल सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी प्लानिंग है कि युद्ध शुरू होने के पहले ही आपने युद्ध जीत लिया, और आपके प्रारंभिक जो आपने उद्घोष किया जो बोला उसका भी सार यही था कि भाई ये तो युद्ध शुरू होने के पहले ही जो है बीजेपी ने जीत लिया, बीच में भी आपने बोला कि भाई मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जीत गई है। तो यही तो राजनीति है, जब इतनी सटीकता से नहीं करेंगे तो कांग्रेस के मित्र को मैं शुभकामना दूंगा, भाई भरिए, आप इंतजार करिए घड़ा कब भरेगा, वो ऐसा घड़ा है कि आप भर भी पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, तो आप इंतजार करिए। तो इसके महत्व को कम मत समझिए, बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत गंभीर है और बीजेपी जानती है, एक एक कदम फूंक के रखती है। राजनीति मैंने बोला एक कदम फिसला तो आप कितने नीचे गिरेंगे, आप संभल पाएंगे कि नहीं संभल पाएंगे, ये बहुत मुश्किल काम होता है। चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, कुछ लोग तो ग्राम प्रधान और छोटे चुनाव में स्पेशली बीएसपी उपचुनाव वगैरह में तो खड़ा ही नहीं करती है। आज देखिए इसका असर क्या होता है, आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, आप नेता है कोई फर्क नहीं, आपके कार्यकर्ता हताश होते चले जाते हैं और कार्यकर्ताओं से जीत होती है। फिर जब चुनाव यूपी का आएगा तो आपको कार्यकर्ता और कैंडिडेट तक नहीं मिलते हैं, तो आप तो आगे लगातार अपने आप को कमजोर करते जा रहे हैं। अब दोष किसी और पार्टी को मत दीजिएगा कि भैया वो विपक्ष मुक्त कर रहा है कि पक्ष मुक्त कर रहा है, आप अपने आप को, अपने राजनीतिक आत्मा को राजनीतिक शरीर से मुक्त कर रहे हैं। ठीक बात त्रिपाठी साहब जी, मैं दो उदाहरण देके आपके पास आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन दो बात मैं कह दूं राष्ट्रपति के संदर्भ में। फखरुद्दीन अली अहमद जैसा राष्ट्रपति हो क्या, तो रात में 1:30 बजे भी दस्तखत करा लो चाहे जहां, ठीक, अगर फखरुद्दीन है रात में 1:30 बजे चाहे जहां दस्तखत करा लो, नींद में होश ही नहीं क्या, बोले मोहर भी लगा दो, बोले ठीक है खुद ही लगा लो, लाओ हम चिड़िया बना दें, ठीक, और संबंध खराब हो जाए
और ज्ञानी जेल सिंह का दिमाग घूम जाए क्या? तो सरकार हुक पे टंग गई थी, राजीव गांधी की सरकार हुक पे टंग गई थी। ज्ञानी जेल सिंह ने ज्ञानी जेल सिंह ने लकीर खींच दी थी राजीव गांधी को बुला के, सारे विधेयक रोक दिए थे और कहा था ये के तिवारी नाम का आदमी अगर 3 घंटे के अंदर मंत्रिमंडल से नहीं हटा तो तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर दूंगा। बोले भारत में पहली बार ये काम मैं ही करूंगा। त्रिपाठी जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे? मैंने दोनों एक्सट्रीम उदाहरण दे दिए। जी जी आपके मैंने उदाहरण मान लिए। आज तक एक बिल ज्ञानी जैल सिंह साहब ने रोका था, वो डाक विधेयक था, पॉकेट वीटो यूज हुआ था। भारत में संविधान में अनुच्छेद 111 में जो बिल पास, अरे अनुच्छेद नहीं, उन्होंने जो कहा राजीव गांधी से वो महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद तो छोड़ दो, अनुच्छेद का क्या करेंगे? ऐसा नहीं है, सिर्फ एक विधेयक आज तक पॉकेट वीटो हुआ है। मैं क्या विधेयक की बात ही नहीं भैया, मैं कह रहा हूँ उन्होंने राजीव गांधी बुला कहा कि के तिवारी को हटाओ। राष्ट्रपति की भूमिका होती है और इन लोगों को जानकारी नहीं, उस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ। के मिश्रा साहब को जानकारी नहीं है कि बिल पास होने में भारत में राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है, यदि वो सरकारी बिल है। अगर वो गैर सरकारी बिल है तो एब्सोल्यूट वीटो होता है। सरकारी आप लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं ना कि राष्ट्रपति का तो कोई महत्व तो है ही नहीं, तो क्यों लड़ा जाए? तो क्यों ये किसी को खड़ा क्यों कर रहे हैं? बोल दीजिए ना कि हम किसी को नहीं खड़ा करेंगे। एके मिश्रा साहब आपके बदलने से परिभाषा संविधान की मैं देख रहा हूँ। कांग्रेस पता नहीं इतनी संतोषी पार्टी हो गई है, इतनी संतोषी पार्टी मैंने राजनीति में कोई देखी नहीं जितनी इन दिनों कांग्रेस हो गई है। वो बोले ये गांव लूट गया, बोले ठीक है भैया लूट जान दो। बोले वो मकान भी टूट गया, टूट जान दो, जाय भी दिरा खेरम ताई भी रही है। बोले बैलगाड़ी भी लूट गई, बोले ठीक है लूट जान दो, पैदल चल लेंगे। ये संतोष राजनीति में शोभा नहीं देता, अध्यात्म में देता है। मेहंदी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आज अगर मेहंदी साहब को यशवंत सिन्हा सुन लिए होंगे तो 2 रोटी ज्यादा खाएंगे शाम को। वो कहेंगे भारत में एक आदमी तो है कम से कम जिसने मेरी भी संभावना जताई कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ राष्ट्रपति चुनाव में। जी मेहंदी साहब। अमिताभ जी हमको काटिएगा नहीं, पूरी बात हमको। जी 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 बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि एके मिश्रा जी जो काफी वरिष्ठ हैं, काफी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, शायद इनको ज्ञान का भाव है या ये जानते नहीं या फिर जानकर अनजान बन रहे हैं। ये सारी बातें हो सकती हैं, वरिष्ठ है मैं सम्मान करता हूँ। एके मिश्रा जी कभी कभी इतना फाउल बोल जाते हैं। मैं लाख आदमी हूँ, मैं पेशे से वकील हूँ, मैं विधि को जानता हूँ, मैं विधान को जानता हूँ, मैं सिस्टम को जानता हूँ, 15 साल से राजनीति। कुछ बातें ऐसी लीक से हट के कह देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो रविश कुमार की बात मुझे याद आ जाती है आजकल की पत्रकारिता। बहरहाल मैं अपने विषय पर आता हूँ। देखिए ऐसा है अमिताभ जी, जहाँ तक बात रही राष्ट्रपति चुनाव की, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। जिस दिन वहाँ लखनऊ में हवाई ऑफिस में आगमन हुआ था तो जो उनके साथ कंटिन्यू चल रहे पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मौजूदा सरकार से नाराज है, लेकिन जिए तो जिए, क्या करें, जीना तो है ही है। एक ऐसा तबका है भारतीय जनता पार्टी में जो मौजूदा सरकार से नाराज है, जो वाजपेयी जी के समय का जिनकी उपेक्षा हुई है, आज वो इनके साथ खड़ा है। वो प्रत्यक्ष रूप से वो आपको दिखेगा नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है राजनीति में जो दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं। आप ही ने कहा था एक बात, वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि नेता देखो नेता की लाइन देखो, नेता देखो नेता की लाइन देखो। सही बात तो ये है भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी के सामने वो इतनी ताकत नहीं रखता कि उनके अगेंस्ट कोई बात कहे। उनके दल के अंदर जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ संविधान, हर छोटा आदमी जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल लेता है, अपनी बात कह लेता है, सुन लेता है, सुना देता है। लेकिन लेकिन बीजेपी में ये चीज नहीं है। आज बीजेपी के बीजेपी के सुन लीजिए, बीजेपी का एक बहुत बड़ा तबका है। ठीक है अभी बस समझे, आप ये कह रहे हो बीजेपी का बहुत बड़ा तबका है जो वोटिंग के दिन क्रांति करेगा, ये कहना चाह रहा हूँ। उसका उत्तर ले लो भाई, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो उनसे उत्तर तो ले लें बाबू। रुको तो हरीश जी, इसका उत्तर दीजिएगा कि वो कह रहे हैं, अरे रुक जाओ भाई, ठीक मेहंदी जी एक मिनट रुक जाओ, इसका उत्तर दीजिएगा कि आपसे बहुत लोग नाराज हैं। एक टिप्पणी पर मैं टिप्पणी कर दूं फिर हरीश जी आपको देता हूं मंच। बसपा में मायावती जी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी,
भाजपा में नरेंद्र मोदी जी, कांग्रेस में सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, बाकी सब में एक एक, कांग्रेस में तीन का मामला चलता है, तीन है, तीन वो सुभापा में ओम प्रकाश राजभर, क्या राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी के खिलाफ बोलोगे तो निकाल कान पकड़ बाहर कर देंगे। ठीक, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गाली भी ख्याल अच्छा है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करो, सबके कपड़े उतर जाएंगे, काय चक्कर करोगे, सबको पार्टियों में रहना है यार, हैं? मैं तो बोल के निकल जाऊंगा, मेरा क्या बिगड़ेगा, आप लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर देगी पार्टी, इसलिए ऐसा नहीं कहो। ठीक है, कहां लोकतंत्र, कौन सोनिया गांधी सवाल करके जिंदा रह सकता है, हाँ जी ना, भगवान का नाम लो। हरीश जी भाई, ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो दुखी संप्रदाय है भाजपा का वो क्रांति करेगा और यशवंत सिन्हा के नाम की लॉटरी खुल सकती एक। हालांकि ये भी ठीक है, विपक्षी दल इस बात से कई बार उम्मीद से हो चुके हैं इन 6-7 सालों में कि अब अगले उसमें असंतुष्ट लोग खेल कर देंगे भाजपा में, लेकिन देखते हैं परिणाम आता तो मोदी थोड़ा और मजबूत हो जाते हैं। हरी जी, अफ्ताब जी, जी साहब को या तो भारतीय जनता पार्टी की संरचना मालूम नहीं है, संगठन के विषय मालूम नहीं है, इसलिए इस तरह से दिवा स्वप्न वाली बातें और कोरी कल्पना की बातें कह रहे हैं। अब उनका जो उनकी जो कल्पना है, उनका जो दिवा स्वप्न है वो उनके साथ है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि आपकी पार्टी में बहुत सारे सांसद विधायक हैं जो असंतोष व्यक्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो अंदर खाने खुश हैं पार्टी के अंदर? आप इस बात को बेहतर जानते हैं। मेरी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं, मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि इसका मतलब आपको अपने दल के बारे में जानकारी नहीं है, वो आप कह सकते हैं, लेकिन अफ्ताब जी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के फोरम है जहां कोई भी जाके अपनी बात कह सकता है, जो भी उसकी कंसर्न है उसको कह सकता है। आपके प्रधानमंत्री जी आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दे पाए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज तक किसी टीवी चैनल को नहीं दे पाए, वो मन की बात करते हैं लेकिन मन में क्या चल रहा है, आउट ऑफ रेफरेंस, आउट ऑफ ट्रैक बात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आपकी जो बात आपके मन में जो है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई फ्रॉडकास्ट करके विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देने जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक दिवा शब्द से भी आगे कुछ कहा जा सकता हो तो उसके लिए हो सकता है जी। और दूसरी चीज, उम्मीदवार के लड़के हैं आपकी पार्टी के सांसद हैं जो हमको सूचना मिल रही है, वो बहुत पहले कह चुके हैं कि उनका वोट द्रौपदी मुर्मू को ही जाएगा, जयंत सिन्हा जी बहुत पहले ये बात कह चुके हैं, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी की जो भी सम्मानित सांसद विधायक हैं वो सब पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट करने वाले हैं, इसमें ये जो विपक्ष की जो लालसा है वो तो उनकी लालसा रह जाएगी, उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं। मुझे लगता है आशावादिता ठीक है लेकिन दुर्धर्ष किस्म की आशावादिता दुर्घटना कराती, वो ठीक नहीं। मेरी समझ ये कहती है अब विपक्ष को इस बात की लड़ाई लड़नी होगी, पेशबंदी करनी होगी कि जो गए सो गए, जितने बचे उतने नंबर में ठीक निकलें। मेरी पत्रकारीय बुद्धि कहती है, समझ कहती है, द्रौपदी मुर्मू का जब परिणाम आएगा राष्ट्रपति चुनाव का, तब हम आपसे बैठ के यह व्याख्या कर रहे होंगे कि किस दल से कितनी भगदड़ मची विपक्ष के खेमे से, ये मसला है। सुनील रघुवंशी जी, जी ओम प्रकाश जी ने कहा कि मैं कौन सी तारीख बताई थी कि उसके बाद निर्णय करूंगा कोर कमेटी में विचार करके,
और अशोक और अखिलेश यादव को हमारी जरूरत नहीं रही, इसलिए अब हम भी अपना विचार करेंगे। इस बात का क्या अर्थ निकाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल विचार करेंगे इस बारे में। बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 तारीख के लिए कहा था कि इस बारे में बताएंगे, और आज भी लगातार हमारे नेताओं जी के साथ बैठक हो रही है, हमारे विधायकों के साथ बैठक हो रही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गाजीपुर और बलिया में बैठ के कर रहे हैं, तो लखनऊ आएंगे, इस बारे में भी बताएंगे आके कि अब माननीय अखिलेश जी से भी मुलाकात करेंगे, तो उस पर क्या निकलता है उसके बारे में सब आप लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। तो लखनऊ आने दीजिए, ये भी क्लियर होगा कि आखिर क्या बात हुई है, क्या लोगों की बातें हैं जो आप तक पहुंचाने का काम किया जाए। देखो यही सियासत का गुण है, यही सियासत का असली गुण है, नेत्राम की कचौड़ी दबाए रहो और अपना गीत गाए रहो। नहीं नहीं, कचौड़ी और जलेबी हर जगह, जलेबी हाँ वही कह रहा हूँ, यही गुण है दोस्त सियासत का। बताइए मुर्मू जी क्या है, डिनर खाए उनके सम्मान में सब है, अब बता रहे अभी विचार कर रहे हैं हम। भैया त्रिपाठी जी ठीक है, ठीक है, अरे भाई ठीक है, हमको मालूम है कितना विचार गंभीर होता है, विचार की बैठकों में क्या होता है, सब तो अपने को दूसरी दुनिया के आए हैं, ना हम दूसरी दुनिया के, ना ओम प्रकाश जी दूसरी दुनिया के, ना अखिलेश जी, ना योगी जी, अरे आपके बहुत करीबी तो सबको पता है सब क्या कितना कहां विचार हो रहा है। कोई गणित का सवाल थोड़े नहीं जिसको हल करने दिमाग लगे, पहले माइंड मेकअप रहता है क्या करना। त्रिपाठी जी जी, गोवा में 11 में 10 भागने की को तैयार, वो भागे उससे पहले राहुल जी चले गए विदेश, बताओ गजबे कर रहे हो, नहीं कहीं आए गोवा में जाके डेरा डालते, यहां भी क्या कर रहे थे, वहीं जाते वहीं मजमा लगाते, देखो खड़े होते कम से कम समुद्र के बीचों बीच, तो विधायकों को लाज शर्म आती कि भाई राहुल गांधी है यहां, वो कतर एयरवेज कौन बता रहा है एयरलाइंस में चले गए अंधेरे 3 बजे। नहीं ऐसा नहीं है अमिताभ जी कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी अभी हमारे नेता हैं और नेतृत्व उनका है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं और वहां पे आ, सोनिया जी तो नहीं जाएंगी ना, उनकी तबियत तो स्वास्थ्य उस ढंग का नहीं है ना मित्र, जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो आप ये अपेक्षा करते हो ना, बोलो काका बाहर लेटे तो खाट में, अरे काका खाट पे लेटे हैं, काका क्या करेंगे, लड़का बड़ा हो जाता है तो लड़के को जिम्मेदारी दी जाती है। महासचिव लोग वहां पे गए हुए हैं और बातचीत चल रही है, कुलभाषिक साहब वहां पे हैं और त्रिपाठी जी एक दिल की बात बताना, कोई पूछ रहा सचिव महासचिव प्रभारी भारी किसी को, बताओ सच्ची बताओ कोई पूछ रहा है, जिनकी थोड़ी बहुत पूछ शर्म हो सकती थी वो चले गए विदेश, अब प्रभारी भारी आप उनको कोई चिट्ठी दे दो, अंतरराष्ट्रीय महासचिव बता दो कांग्रेस का, कोई पूछ रहा है बात, उनको सबको जो जाते हैं जहां जहां चरण पड़े संतन के तांता बंटा ढार। नहीं आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जो डरते हैं वो चले जाएं राजनीति से, तो हो सकता है ये लोग डर रहे हो और राजनीति से जा रहे हो भाजपा में, और इसीलिए मेरा इशारा था कि अगर राहुल जी किस लिए गए विदेश, जब घर में आग लगी हो तो जवान लड़के को विदेश नहीं जाना चाहिए। अमिताभ जी विदेश जाने की कोई ऐसी पुष्ट सूचना नहीं है, ये सब ऐसी खबरें चलती रहती है, लेकिन तो संघर्ष करते दिखते कहीं, फिर गोवा की धड़कती हुई दीवार पे हाथ लगाते दिखते कि भाई चलो। नहीं निश्चित तौर पर हमारा शीर्ष नेतृत्व उस पे विचार कर रहा है, बात चल रही है और वहां से कम्युनिकेशन में है हम लोग कि वहां पे ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई जी, और हमने ठीक हमने ठीक है त्रिपाठी जी, आपको भी बधाई, आपका भी मनोबल अच्छा है, हमने पंजाब में यही सुना एग्जैक्ट शब्द ये थे। अमिताभ जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शीर्ष नेतृत्व ने संज्ञान ले लिया है, शीर्ष नेतृत्व का संज्ञान लेने का मतलब ऐसा होता है जैसे शुक्राचार्य ने संजीवनी दे दी हो किसी को, अरे नेतृत्व क्या है भाई, कितना भी संज्ञान लेते रहो उससे क्या फर्क पड़ा, जमीन पर जो होना था हो गया, गई भैंस पानी में, अमरिंदर भी गए चन्नी भी गए डूब गई कश्ती, हमने मध्य प्रदेश में भी ये सुना। अमिताभ जी कोई भाजपा का दुष्प्रचार है, आला कमान ने संज्ञान ले लिया है, ऐसा लगता है कि आला कमान ने संज्ञान ले लिया है, ऐसे कहा जाता है कि लगता है कि ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है अब आला कमान ने, हुआ क्या कमलनाथ जी की सरकार चली गई। तो मालिक पुराने उदाहरण देख के अंदाज लगेगा ना कि आप कहीं बात पर कितना वजन है,
हमें ओम प्रकाश राजभर इसीलिए ठीक लगते, कम से कम उनकी पार्टी छोटी है बड़ी है छोड़ो, जूझ तो रहे हैं, जूझ तो रहे हैं। लंदन और कतर और पतर तो नहीं जाते, लखनऊ से लेके और गाजीपुर बलिया तक इतने तक रहते हैं। राजनीति तो ऐसे होगी मित्र। ए के मिश्रा जी, वही मसला बार बार आपका मकान आक्रमण का शिकार हो रहा है और जो मालिक मकान है वो गंभीर नहीं, या तो उसको ये पता है कि मैं रोक नहीं सकता इसलिए मौके से दूर रहूं। एक ये भी भाव होता है कि भाई जब मैं रोक ही नहीं सकता तो मौके पर जाके अपमानित क्यों हूं। देखिए अमिताभ जी, आपने दो बड़े लाइव एग्जांपल दिए कि राष्ट्रपति का क्या महत्व है। मैं भी यही चीज अपने मित्रों को याद दिला रहा था, लेकिन इससे कमजोर और हताश पैनल अपने डिबेट की जिंदगी में मैंने नहीं देखा। ये मानने को तैयार नहीं है, ये बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं, हम तो लॉ प्रैक्टिसिंग लॉ ऑफिसर हैं, हम उन्हें कानून की पढ़ाई पढ़ी है। और आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा और कुछ दिनों के बाद दिखाइएगा। ये चुनाव जब हो जाएगा ना और द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बन जाएंगी, एक एक दिन विपक्ष के लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी जब बीजेपी एक्शन में आएंगी, अभी से तैयारी कर लीजिए। और ये लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं मेरे विपक्ष के मित्र, क्योंकि इनका फोकस तो ये है कि पार्टी के अध्यक्ष हम बन जाए, कोई और ना बने, अब फलाने आदमी पार्टी का अध्यक्ष बन जाए। तो ये लोग अब बाहर के चुनाव पे फोकस नहीं होता है, इनका फोकस ये होता है कि पार्टी में आंतरिक रूप से अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, वहीं तक ये लोग सिमट गए हैं अपनी लंगोट बचाने तक। जिन प्रवक्ताओं को ये महत्व नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय राजनीति में संविधान में राष्ट्रपति का क्या महत्व है, इतने हल्के फुल्के सिरे से नकार दे रहे हैं कि इनका तो कोई महत्व ही नहीं है, तो इसलिए चुनाव का कोई महत्व नहीं है, होने दीजिए। तो ठीक है, होने दीजिए चुनाव, और कुछ दिनों के बाद जब रिजल्ट आएंगे और आपकी हर दिन की नींदों की हराम होगी और सड़क पे जब आप उतरेंगे। त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी जी, जी जी अमिताभ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, ए के मिश्रा साहब जो कह रहे हैं वो स्वयं अपनी व्याख्या गलत कर रहे हैं। किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं बोला। ए के मिश्रा जी को छोड़िए सर, अगर आप खुश हैं कि ए के मिश्रा को क्रिटिसाइज करके आप राष्ट्रपति चुनाव जीत लेंगे तो जीत लीजिए। आपको जहाँ अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना है वहाँ करिए सर, राष्ट्रपति चुनाव में करिए, डिबेट में प्रदर्शन मत करिए। आपको याद यह दिलाया कि पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो और क्या वीटो की पावर है? अरे सर मुझे नहीं पता है, आप वहां जाकर के जहां पराक्रम दिखाना है वहां दिखाइए। आप तो कोई कैंडिडेट नहीं तैयार हो रहा है, आपने तीन तीन कैंडिडेट को आगे किया, उन्होंने हाथ जोड़ दिए। आपको अज्ञान है ये मैं कह रहा हूँ और आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें सर हमारा कंपटीशन में कोई वजूद नहीं है, ना हम आपके कंपटीटर है ना बीजेपी के कंपटीटर है। जो आपके कंपटीटर है आप वहाँ अपने ज्ञान और पराक्रम का प्रदर्शन कीजिए, नहीं तो याद रखिएगा ये चुनाव हो जाने के बाद आप हर दिन और हर रात सड़क पे बैठे रहेंगे। मेरी बात मान के चलिए, इतने हल्के में राष्ट्रपति चुनाव को मत लीजिएगा। आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं तो कुछ भी बोलते रहिए के मिश्रा साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति पद की क्या भूमिका है। राष्ट्रपति विपक्ष को सोने नहीं देगा, विपक्ष की नींदें हराम हो जाएंगी, ये आपकी राष्ट्रपति बीजेपी नहीं सुन। ठीक है सर, चलिए आप एक काम करिए, आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी में चयन में भाग ही मत लीजिए, होने दीजिए। मैं तो केवल ये बता रहा था, सर्वोच्च पद होता है भारत में संवैधानिक और उसके बहुत सारे अधिकार होते हैं, इतने विशेष अधिकार उसके होते हैं कि आप उनसे बाहर नहीं जा सकते हैं। निश्चित तौर पर यशवंत सिन्हा साहब अभी भी लड़ाई में हैं और यशवंत त्रिपाठी ठीक है, ठीक है, एक मिश्रा जी ठीक है, इसी सिलसिले को पर्सनल मत बनाइए। नहीं नहीं सारे मित्र हैं, पर्सनल मत बनाइए। नहीं नहीं मेहंदी साहब अभी रुक जाइए, मैं एक बात कहूंगा। मैंने जो उदाहरण दिए थे वो अब दोनों दिशाओं के सर्वोच्च प्रतिमान थे, उसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता। फखरुद्दीन साहब जैसा राष्ट्रपति भूतो न भविष्यति क्या? इंदिरा जी के यहां से धवन फोन कर देते थे तो वो खड़े होकर फोन रिसीव करते थे, उनकी आत्मा अल्लाह जन्नत बख्शे क्या, ये हाल था उनका, पता है त्रिपाठी जी क्या हाल? ये ज्ञानी बाबू का भी, ज्ञानीयल सिंह का भी था, वो भी ये बयान देके बड़े चर्चित हुए थे कि इंदिरा जी कहेंगी तो मैं झाड़ू लगा दूंगा।
लेकिन उनने कहा इंदिरा जी थी भाई, लड़के लड़के की रंगबाजी नहीं सहूंगा, भड़क गए क्या? आपको याद हो ना हो के तिवारी थे बिहार के, हरीश जी को याद होगा, पुराने आदमी क्या जी। और मुझे मुझे ये भी जानकारी, पान खाते थे बेहतरीन मगही, वो मसला छूट जा कैसे, मगही पान खाते थे बेहतरीन और भव्य भव्य कुर्ता पहनते थे बिल्कुल कलफ लगा है कसा पजामा। उनकी वाण यहां पर बड़ा गजब का ताप था, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि जिसके लिए बोले वो पागल हो जाए। वो ज्ञानी जेल सिंह के पीछे लग गए थे त्रिपाठी जी, क्या ज्ञानी जेल सिंह ने पता कराया तो उनने कहा कि ये हिजमास्टर्स वॉइस है, ये कंठ इस के तिवारी का है कि इसके पीछे राजीव है। उन्होंने राजीव गांधी को तलब कर लिया था, नेहरू जी के परिवार के लड़के को, इंदिरा जी के बेटे को, भारत के प्रधानमंत्री को। कहा था भाई मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन इतनी मैंने गणित समझ ली लोगों को बुला के, और कौन लोग उनको सलाह दे के आए थे आपको पता है, सरकार की बर्खास्तगी के कागज टाइप करा लिए थे ज्ञानी जेल सिंह ने, इसी संविधान का उल्लेख करते हुए। अमिताभ जी गोविंद नारायण सिंह जी को अगर मध्यस्थ न बनाया होता राजीव गांधी, उन्होंने कहा इस अगर ये नहीं हटा के तिवारी तो सरकार चली जाएगी राजीव गांधी तुम्हारी, भागम भाग मची जो हरीश जी करे मध्यस्थ दौड़े बोले ना 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 पापा जी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तब जाके जान बची थी। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति ही करता नहीं है, सामान्यतः फखरुद्दीन जैसे ही रहते हैं लोग, क्या बोले हम गुड्डू बोल रहे हैं, बोले हाँ भैया बोलो, बोलो साहब ने कहा दस्तखत कर दो, बोले ठीक है ले आओ कागज या हम ही आ जाए बाहर, सामान्यतः ऐसा रहता है। लेकिन कई बार ज्ञानी जेल सिंह भी हो सकते हैं, हरीश जी गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं त्रिपाठी जी को उनको उसकी जानकारी नहीं है, अगर जानकारी होती तो शायद उसके इम्पोर्टेंस को इतना लाइटली न लेते। मेरा उससे मेरा घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम था, जो जानकारी मुझे आई थी कि खोजा गया कि मैजरी कौन था जब उनको राष्ट्रपति बनाने को ज्ञानी जी का निर्णय हुआ, और उसमें यह आया कि गोविंद नारायण सिंह जी थे, तो उनको राजीव गांधी ने बुलाया और फिर पूछा और बात की, फिर वो उन्होंने उनसे समय लेके बहुत सारे मसले हुए तक किसी तरह वो मामला सुलझा। तो ये चीजें अपनी महत्व की पद गरिमा का है तो महत्व भी है। मेहंदी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जो वहां का घटनाक्रम है वो ठीक है, एक उदाहरण था, छेपकता हो गया। मेहंदी साहब छोटी सी टिप्पणी, भैया छोटी सी टिप्पणी यही है कि एके मिश्रा जी आज जब डिबेट खत्म हो जाएगा तो पूरे डिबेट को सुनेंगे और उसमें खुद सुनने के बाद उसमें कुछ बातें निकालेंगे। एके मिश्रा जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको आपको ज्ञान का भाव है, आपको कोई जानकारी नहीं। पहली बार देश को अच्छा वास्तव मिलने जा रहा है, पहली बार देश को अच्छा वास्तव मिलने जा रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं, आपको आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हैं। आप कामन आदमी है, आप कामन तरीके से आपको बात करनी चाहिए, आप प्रवक्ता बन के बात मत करिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है आपसे, नंबर एक बात, किसकी नींद उड़ जाएगी, किसकी नींद हराम हो जाएगी, ये अलग विषय है, ये विषय नहीं है डिबेट का। डिबेट का विषय ये है कि रबर स्टैम्प की भूमिका में राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ हो और सारे सिस्टम को जानता हो, प्रोसेस तरीके से सरकार जो भी जीतेगा वो रबर स्टैम्प की तरह राष्ट्रपति काम करते हैं, उनका विवेक होता है अपने। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, ऐसा है आम तौर पे बहुत कम ऐसा मौका आया है जब देश को विवेक से काम करने वाला राष्ट्रपति मिला, कई बार ऐसा राजनीति को समझिए, आज की राजनीति में कोई रबर स्टैम्प नहीं है। आप देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका बात करिए, आप पत्रकार बन के बात करिए, आप होमवर्क बने नहीं, आप होमवर्क बने, आप होमवर्क बने, आप होमवर्क भाई भाई शांति, होमवर्क करिए, थैंक यू, होमवर्क करिए, आगे बात आ गई। बोलने से पहले
मसला ये नहीं। अरे रुको भाई, मेहंदी साहब आ गई बात, आ गई बात। अरे रुक जाओ भाई, एक बात कहो, मिशन ये बात भी छोड़ो, व्यक्तिगत मत होइए कोई, रुक।